अरे यार, ये टेबल अपने आप क्यों हिल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, चलो चेक करता हूँ। ओ नो, ये तो पूरा घर ही हिल रहा है, लगता है भूकंप आ गया। दादी जल्दी उठो, भूकंप आ गया है। टॉमी मजाक मत कर, मुझे सोने दे। दादी मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे यार अब क्या करूँ, चलो घर के अंदर से सारे पैसे निकाल लेता हूँ, काम आएंगे। दादी जल्दी उठो प्लीज। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में भूकंप आ गया, मैं तो मजाक समझ रही थी। टॉमी जल्दी से बाहर चलो, कहीं घर ना गिर जाए। सभी लोग जल्दी से घर से बाहर निकलो, भूकंप आ गया। मेरे पैर में तो मोच आ गई। टॉमी बेटा तू घर से बाहर चला जा, मैं अभी आती हूँ। टॉमी बेटा घर से दूर चला जा। अरे यार मेरी दादी तो घर के अंदर ही फंस गई। दादी तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ, आई मिस यू दादी। प्लीज इस प्यारे से टॉमी के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो अभी स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखा, उस टाइप का कंटेंट अपलोड करके ये बंदा $34,000 से रखे $5,55,000 तक अर्न करता है। अब भाई यहाँ पर तो कुछ भी फेक अर्निंग बता देते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पर, लेकिन हम इसको कम से कम $5,000 भी माने ना। तो यहाँ पर आप देखो इंडियन करेंसी में $5,000 कितना होता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ $5,000 और अब आप देखना भाई $5,000 $400,000 से भी ज्यादा का अमाउंट होता है। अब ये बंदा कॉपी पेस्ट करके इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आखिर ये कुछ कंटेंट को डाल रहा है, कौन से चैनल है? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी YouTube एप्लीकेशन पर, इस चैनल का नाम है G4Fact। इस पर भाई सब्सक्राइबर्स देख रहे हो 1.38 करोड़, कितना ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अब आप देखिए इसकी वीडियो पर 11 लाख, 5.1 लाख, 1.6 लाख, 13 लाख, 12 लाख, इस तरीके से भाई करोड़ों में लाखों में व्यूज आ रहा है। और पॉपुलर वीडियोस की बात करें तो भाई आप देख लो यहाँ पर 9.4 करोड़, 6.9 करोड़, 6.8 करोड़, 6.6 करोड़, 6.1 करोड़, 6.1 करोड़, भाई करोड़ों में व्यूज है, मिलियंस की तो बात ही छोड़ दो। और अगर मैं आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग कहोगे भाई ऐसा कंटेंट तुम खुद ट्रैक क्यों कर नहीं लेते, यहाँ पर तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, नॉलेज है। तो भाई ऑलरेडी मेरे 3 शॉर्ट चैनल है, उन पर अच्छा खासा व्यूज आता है, वीडियो वायरल होता है, एंड एक से तो मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो भाई इतने सारे चैनल्स में अकेले कैसे हैंडल कर सकता, तो इसलिए ये चैनल आईडिया मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई अगर आपको ये चीज चाहिए ना सिल्वर प्ले बटन, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, मैं कसम से कहता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और बस 1 महीने सीरियस होकर मेहनत कर लीजिए, ये जो सिल्वर प्ले बटन है ना, गोल्डन प्ले बटन भी मिलेगा इसके साथ ही मिलेगा, वो भी 1 महीने में, बस आपको मेहनत करना है दोस्तों। ये चीज पाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस अपने चैनल पर कंटिन्यू यहाँ पर रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया, मेहनत किया, एंड कॉपी पेस्ट के भरोसे नहीं रहा। भाई कॉपी पेस्ट का मतलब होता है आप अपना एफर्ट दो एंड कंटेंट उठा के पेस्ट करो, ये नहीं कि आपने कंटेंट उठाया और उसको डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो अगर आपको ये चीज चाहिए 1 महीने से भी कम समय में, तो भाई आप वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप किए देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा और तभी आप पूरी मेहनत से इस चीज को हासिल कर सकते हो सिर्फ 1 महीने में। सबसे पहले आपको इस टाइप का कंटेंट कहां से लाना है, तो देखो आपको पता होगा एक चाइनीज ऐप है जिससे सारे शॉर्ट क्रिएटर वीडियो लेते हैं, आपको चाइनीज ऐप के लिए कहीं नहीं जाना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको चाइनीज ऐप डाउनलोड कर लेना है, एंड वहां पर कुछ आईडीज मिलेंगी जिस पर क्या होता है ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस उसी प्रोफाइल पर अपलोड होता है, तो आप वो आईडी कॉपी करके उस ऐप में सिंपल पेस्ट करना, वहां पर आपके सामने वीडियो आ जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टेलीग्राम पर सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। अब देखिए आपको AI वॉइस कैसे लेना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है अपनी वीडियो की, यहाँ पर आप देखो एग्जांपल के, यहाँ पर मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब आप स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, तो देखो इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई आप किसी भी कैटेगरी का शॉर्ट्स का स्क्रिप्ट लिख सकते हो इस वीडियो को देखकर, तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। अब आपको AI वॉइस जनरेट करने के लिए आपको क्रोम पर आना है एंड एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जिसका नाम यहाँ पर 11 लैब्स। अब आपको क्या करना है, आपकी जो हिंदी स्क्रिप्ट है उसको आपको कॉपी करके एंड यहाँ पर सिंपल से पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए पेस्ट करने के बाद आपको जो कैरेक्टर है एडम, ये काफी पॉपुलर वॉइस है, इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से, आपकी मर्जी। एंड इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर 11 लैब्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना, भाई सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास वॉइस आ गई, वीडियो आ गई, अब आपको एडिटिंग के लिए एक तगड़ा और फ्री एप्लीकेशन चाहिए, तो भाई मैं आपको बताता हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये एक नॉर्मल वीडियो और ये एक प्रोफेशनल वीडियो, इसमें मैंने यहाँ पर देखो पूरा पोर्शन चेंज कर दिया है, कलर ग्रेडिंग हो गया, भाई कितना ज्यादा इस पर कॉपीराइट आएगा, कभी नहीं आएगा भाई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में। उससे पहले वीडियो को स्किप करके देखोगे तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में। सो गाइस, तो आप लोगों को काइनमास्टर ओपन करना है एंड इसके बाद प्लस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है 916 के रेशो पर। अब आपको फटाफट से वो वीडियो ऐड कर लेना है जो आपने यहाँ पर उससे चाइनीज एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है। तो गाइस अब आप लोगों को वो वीडियो ऐड कर लेना है जो आपने चाइनीज एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देखिए अब इसको मैंने ऐड कर लिया। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा यहाँ पर देखिए एंड बराबर पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इसका हम साउंड म्यूट कर देंगे, साउंड पर क्लिक करके
एंड यहाँ पर सबसे पहले इसका पोर्शन चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देखो अभी इस तरीके से स्क्रॉल करके रोटेट पर जाएंगे एंड फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। अब कलर फिल्टर पर जाकर थर्ड पर क्लिक करके फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट पर जाकर कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे यहाँ पर देखो। एंड इसके बाद अब आपको AI वॉइस सेट करना है, अब आपको ऑडियो पर जाना है एंड इसके बाद एल्बम पर जाना है, डाउनलोड पर जाना है और अपनी AI वॉइस सेट कर लेनी है। मैं ये ऐड कर लेता हूँ ये वाली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वॉइस में इफेक्ट डालना है, रिवर्ब पर जाकर यहाँ पर स्टूडियो सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको इस वॉइस को यहाँ पर 200% ऑटो वॉल्यूम कर देना है। अब आपको यहाँ पर जहाँ भी गैप है क्लिक करके ऑडियो पर स्क्रॉल करके ट्रिम पर स्प्लिट पर जाना है एंड यहाँ पर कर देना है भाई, देख सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पर देखो स्क्रॉल किया एंड इस तरीके से इसको स्प्लिट किया एंड स्क्रॉल कर दिया। अब देखिए इस पर फिर से क्लिक करते हैं एंड ट्रिम एंड स्प्लिट, अब इसको स्क्रॉल कर देते हैं, अब फिर से क्लिक किया एंड ट्रिम एंड इसको बात कर दिया हमने स्प्लिट। अब देखिए इसको फिर से हम क्लिक करते हैं एंड इसके बाद हम करते हैं इसको ट्रिम एंड इसके बाद इसको कर देते हैं स्प्लिट। अब देखिए आप आगे करते हैं एंड क्लिक एंड ट्रिम एंड स्प्लिट, इसको कर दिया है। आप फिर से जाते हैं यहाँ पर गैप है तो क्लिक करेंगे, कैची पर जाएंगे एंड स्प्लिट एंड इसको स्क्रॉल कर देंगे। अब देखिए कहाँ पर गैप है, ये रहा, क्लिक करेंगे एंड ट्रिम एंड स्प्लिट पर जाएंगे, अब इसको स्क्रॉल कर देंगे, अब क्लिक करेंगे फिर से, अब जाएंगे ट्रिम पर एंड स्प्लिट पर, अब जाते हैं स्क्रॉल करके, अब फिर से जाते हैं यहाँ पर ट्रिम पर एंड स्प्लिट पर। तो देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर AI वॉइस को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, ऑडियो पर जाकर एल्बम पर जाना है एंड आपको देखिए मेरे टेलीग्राम पर काफ़ी सारे आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे मैं उसको ऐड कर लेता हूँ एंड आप वहाँ डाउनलोड कर लेना। तो देखिए ये ऐड करने के बाद इसके जो ऑडियो है मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए 26 के आसपास। एंड अब आपके पर बॉर्डर ऐड करना है, बॉर्डर मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लेयर पर जाकर आपको मीडियो पर जाना है एंड एक पीला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसका साइज बड़ा करना है, स्क्रॉल करके साइड में आपको इसको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसकी लेयर को आपको वीडियो को एंड तक ले आना है जहाँ तक आपका वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आपको लेयर पर जाना है एंड टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख देना है कुछ भी, क्लिक वेट, यहाँ पर हम क्या लिखे, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वेट फॉर एंड, यहाँ पर लिखते हैं वेट फॉर एंड, इसके बाद ओके करते हैं एंड जो ए है इस पर क्लिक करके रोबोट ब्लैक पर जाते हैं एंड इसको सेलेक्ट करके आप कलर पर जाकर रेड कर देंगे, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो भाई यहाँ पर। अब इसको आपको क्या करना है, इसकी लेयर को आपको बढ़ा देना है बिल्कुल वीडियो के एंड तक एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है एंड नीचे ले आना है, यहाँ पर आप अपना एक वाटर मार्क ऐड कर दो। कैसे करोगे, सबसे पहले कलर है इसको आप वाइट कर दो एंड देखिए दोस्तों आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, मैं यहाँ पर एग्जांपल के यहाँ पर वाटर मार्क ही लिख देता हूँ, देखिए वाटर मार्क मैंने लिख दिया, ओके कर दिया। अब आपको इसको आपने जो वाटर मार्क है उसमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको स्क्रॉल करना है एंड अल्फा पर जाकर इसकी जो ओपेसिटी है इसको देखिए इतना रन देना है एंड बैक आ जाना है। तो देख सकते हो इस तरह का हमने वीडियो क्रिएट कर लिया है, इस तरह का कुछ प्रोसेस था। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने के दौरान से पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।